दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार ही हो गई, जहां भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला तो भारत के गेंदबाजों खासतौर पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बांग्लादेश को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यह बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, लेकिन बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, अभिषेक शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज किसी दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके छक्कों में डील कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक नहीं चला पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गया। पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों, यहां T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते अंतिम ओवर तक जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज की बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे, बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर मुस्तफिजुर रहमान आए। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो रिंकू ने पूरी तरह से मिस कर दी और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों, रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से गेंद टच नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया। अब स्ट्राइक पर आ गए थे हमारे अब तक के सभी से ज्यादा बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम ये मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा कर रखी हुई थी और अपने बल्ले को और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 110 रनों की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से
35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।